के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल दाता दरबार हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहां पर भी मैं सिर्फ एक गाड़ी में पहुंचा था, वहां पर जो लोग लेने आए हुए थे वो अपनी गाड़ियां लेकर आए थे, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। सरदार अपनी उसके बाद सरदार आए थे अपनी गाड़ियां लेकर, उसके बाद हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इस तरह ना करें, लोग परेशान होते हैं। तो लिहाजा कोशिश कर रहे हैं, अभी हुकूमत में आए हुए हमें चंद दिन हुए हैं, कुछ दिन और दें इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। भाईजान मेरी कोशिश ये होगी कि प्रोटोकॉल कम से कम हो, लोगों के और दोस्तों से और इंसानों से दूर होना मेरा मकसद नहीं है, मगर मुश्किल काम यह है कि जिनको प्रोटोकॉल देने की आदत पड़ी हुई है उनको मैनेज करना। प्रोटोकॉल लेने वाले हम हैं नहीं, मतलब देने वालों को हैंडल करना है। आपने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सदर बनके दिखाऊंगा, तो किस तरह का सदर बनके दिखाएंगे? एक अच्छा सदर, कानूनी कानून के दायरे में रहता हुआ, लोगों की मुसीबतें मुश्किलात जो हुकूमत का विजन होगा उसके साथ चलने की कोशिश करूँगा, वहदानियत और यकजहती सूबों के दरमियान उसकी कोशिश करूँगा, पानी सेहत बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल और नॉन सियासी इश्यूज हैं उनके ऊपर उनको चैम्पियन करूँगा। ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने जो शुरू किया था बिलियन ट्री सुनामी, अब काबीना ये फैसला कर रही है कि 10 बिलियन ट्रीज लगाने हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा टास्क है 10 बिलियन ट्रीज लगाना। इंशाल्लाह इन सारी कॉजेज को, सैनिटेशन को, सेहत को, प्रिवेंटिव मेडिसिन को, इन सारी कॉजेज को लेकर चलना चाहिए, जो मेरे दिल का दर्द है। और मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, जो मिनिस्टर्स हैं उनके मशवरे के साथ, हुकूमत के मशवरे के साथ, बगैर इंटरफियर करवे बहुत करेंगे।